हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। मैं पंकज कुमार, एपी बायोफ्लॉक फिश फार्म हाजीपुर वैशाली बिहार से। बेसिकली आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से कैट फिश के स्टॉकिंग करते हैं अपने बायोफ्लॉक टैंक के अंदर में। और अभी जो आपको सामने टैंक दिख रहा है उसमें कैट फिश का स्टॉकिंग किया जा रहा है, जो अभी आपको दिख भी रहा होगा कि हम लोग कैट फिश में किस तरीके से मछली का बच्चा डाल रहे हैं, किस तरीके से स्टॉक कर रहे हैं। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जो अभी का सीज़न चल रहा है, इस सीज़न के हिसाब से, इस मौसम के हिसाब से कौन सा मछली आप स्टॉक कर सकते हैं, कौन से मछली को बढ़िया से ग्रोथ करवा सकते हैं, किस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि आप मछली का बच्चे को स्टॉक करने के समय में कोई परेशानी ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो और मछली आपका बढ़िया से ग्रोथ कर सके। सो इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा दोस्तों कि जो अभी कैटफिश का स्टॉकिंग कर रहे हैं हम लोग, इसमें मांगूर का स्टॉकिंग किया जा रहा है। मांगूर है कैटफिश की प्रजाति, उसके बाद सिंगी है, टिंगरा है, और भी मछलियाँ हैं जो कैटफिश की प्रजाति हैं। वैसे ही IMC की प्रजातियाँ हैं जो हम स्टॉक कर सकते हैं अपने बायोफ्लॉक टैंक के अंदर में विंटर सीजन में। और यहाँ पे जो कर रहे हैं वो मांगूर है सर। तो बेसिकली यहाँ पे 4 टैंक का सेटअप है और हर टैंक में हम लोग 2 से 2500 बच्चा का स्टॉकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम ज़्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं करने वाले हैं। इसको 150 से 200 ग्राम के साइज़ में इसको सेल आउट कर दिया जाएगा ताकि आपका मछली बढ़िया से सेल हो सके अच्छे दामों में, ताकि जो भी नए फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम आता है सेलिंग करने में, तो वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा था कि अगर हम लोग जो जिस तरीके से मछली स्टॉक करते हैं बायोफ्लॉक टैंक के अंदर में, और ये जो मौसम चल रहा है विंटर सीज़न है, तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है टेम्परेचर। तो बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपके पास 2-3 चीज़ें हैं। पहला, बहुत लोग क्या करते हैं बायोफ्लॉक के अंदर में कि पानी एक्सचेंज करते रहते हैं, बट ये सही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप बायोफ्लॉक टैंक में फ्लॉक बना रहे हैं तो अगर आप बार बार पानी रिप्लेस कीजिएगा तो हमेशा आपका फ्लॉक डेड हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। सो ये सही रास्ता नहीं है। इस जगह पर आप हीटर का यूज़ कर सकते हैं, एक्वा हीटर है, उसके बाद में आप इसको धूप के मौसम समय में इसको फीड दे ताकि बढ़िया से दाना खा सके। सो और भी इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा कि अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन सा मेडिसिन यूज करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है वो मेडिसिन, ताकि आपका मछली का ग्रोथ अच्छा हो सके और मछली बढ़िया से सर्वाइव कर सके। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको बढ़िया से अपडेट दे सकूँ, ताकि नई नई चीज़ें बता सकूँ। सो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।